नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव में। मैं आपके साथ अनीशा जैन। आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक अधिकारियों का होगा फेरबदल। 12 IPS, 11 राज्य पुलिस सेवा अफसरों समेत 23 पुलिस अफसरों का होगा स्थानांतरण। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। 8 फरवरी को होगा मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन। बढ़ेगी मतदाताओं की संख्या। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया बड़ा बयान। कांग्रेस छोड़कर जाने के सवाल पर कहा, ये सच नहीं अफवाह है। पार्टी आदेश करेगी तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी भोपाल में भाजपा की बैठक जारी। पार्टी आलाकमान के चुनावी दौरे और रैलियों पर चल रही है चर्चा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू। 29 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो रही है चर्चा। 7 करोड़ रुपए की लागत से लोकसभा की तर्ज पर तैयार किया गया इंदौर नगर निगम का परिषद हॉल। 114 पार्षदों को बिठाने की क्षमता। प्रदेश में फिर मौसम बदले का करवट। ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया में हो सकती है बारिश। 4 फरवरी के बाद भिंड, मुरैना में ओले गिरने की संभावना। प्रदेश में दुधारू पशुओं का प्रीमियम होगा टीकाकरण। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी किया आदेश। DGP ने संकल्प पत्र 2023 में की थी घोषणा। बोर्ड परीक्षा पेपर के वितरण में MP बोर्ड ने किया बदलाव। परीक्षा सेंटर तक पेपर सुरक्षित पहुंचे, इसलिए GPS से की जाएगी निगरानी। शिवपुरी में 40 जाटव परिवारों ने अपनाया बौद्ध धर्म। छुआछूत से थे परेशान, बौद्ध धर्म के गुरु ने सभी को दिलाई शपथ। आज की खबरों में इतना ही। मध्य प्रदेश के अन्य मुख्य समाचारों के लिए देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।